सर नमस्कार, आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपका टाइम लीज में स्वागत है। सर आप जन अधिकार पार्टी के कुछ स्पष्ट तरीके से उद्देश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। भैया हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी गरीब और मजलूम और किसान और मजदूर और ख़ास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनका हक आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद भी नहीं मिला, उनका हक उन्हें दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी बनाई। जो हमारे समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था है, छुआछूत की व्यवस्था है, किसी को जाति के आधार पर सम्मान है, किसी को जाति के आधार पर अपमान है, ये सारी चीज़ें ठीक हो सके जो कभी भगवान बुद्ध ने इसकी कल्पना की थी। जिस मूवमेंट को महात्मा फुले ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, उसी मूवमेंट को लेकर के हम लोग आगे निकले हैं। हमारी कोशिश है कि जो इस देश में जिसको जिसकी जितनी आबादी है, जनसंख्या के हिसाब से सरकार जाति जनगणना कराए और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से जिसका जितना हिस्सा बनता है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी जो ठेके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आबादी के हिसाब से सबको सबका हिस्सा मिले। तो जन अधिकार पार्टी 2019 का चुनाव कैसे लड़ेगी? जन अधिकार पार्टी 2019 का चुनाव लड़ेगी। हम लोग अभी 3 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया है अपना संगठन। हम लोग कुछ विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे, कहीं हमको कुछ ठीक वोट मिला, कहीं कम वोट मिला, कहीं ज़्यादा वोट मिला, तो हम अपनी तैयारी को ध्यान रख करके हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ें, लेकिन अगर सब सीटों पर नहीं लड़ पाते हैं तो जहाँ हमारी बेहतर तैयारी हो जाएगी तो हम लोग वहाँ चुनाव लड़ें। लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कहीं लड़ा जा सकता है? मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे। हम लोग इस समय 4-5 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, तो जैसी हमारी जहां तैयारी हो जाएगी जितनी सीटों पर, उतनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू। धन्यवाद।